नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, लेकिन उससे पहले होने वाले निकाय चुनाव को एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन कोई दल विकास की बात कर रहा है तो कोई जातीय समीकरण को साधने का भी प्रयास कर रहा है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव का रण शुरू हुआ दंगल। जातीय बैलेंस या विकास की होगी बात, किसको मिलेगा जनता का साथ, झाड़ू करेगा कमाल या साइकिल पकड़ेगी रफ्तार, भाजपा का कमल दोबारा खिलने को तैयार। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और यूपी में दो चरणों में नगर निकाय के चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 4 मई और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। मेयर और पार्षद के चुनाव ईवीएम और नगर पालिका व नगर पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएंगे। यूपी नगर निकाय के 14,684 पदों पर चुनाव होगा। प्रदेश के 17 महापौर और 1420 पार्षद के चुनाव ईवीएम से होंगे। नगर पालिका और नगर पंचायत के पदों पर बैलेट पेपर से मतदान होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस लगाने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष और 5,327 सदस्यों का बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा 544 नगर पंचायत अध्यक्ष, 7,178 सदस्यों का चुनाव भी मतपत्रों से होगा। निकाय चुनाव की बारी, घमासान जारी। 4 मई को पहले चरण का मतदान, 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग, कहीं ईवीएम तो कहीं बैलेट पेपर पर चुनाव। 17 महापौर सीटों पर होगी जंग। 1,420 पार्षदों की किस्मत का होगा फैसला। चुने जाएंगे 199 पालिका परिषद के अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के नगर निगम वाले क्षेत्रों या कहें बड़े शहरों में आरक्षित वर्गों से कहीं अधिक सामान्य वर्ग की आबादी है। इसका सीधा फायदा सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। सामान्य वर्ग के वोटर को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, पंजाबी खत्री, राजपूत मुख्य रूप से जनरल में आती है। वही निकाय चुनाव में महिला वोट बैंक पर कब्जा बरकरार रखने के लिए उन्हें पहले से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की रणनीति है। लखनऊ और कानपुर की बात करें तो इन दोनों शहरों में सामान्य जाति की आबादी 68% है। इनकी अपेक्षा पिछड़े वर्गों की संख्या कम है। लखनऊ सीट का जातीय समीकरण, SC लगभग 16%, ST लगभग 1%, OBC लगभग 18%, जनरल लगभग 65%। तो वहीं यूपी की सबसे बड़ी नगर निगम में पहले चरण में चुनाव होगा और लखनऊ की जनता अपना 20वां मेयर चुनेगी। वहीं अगर लखनऊ में निकाय चुनाव के इतिहास पर अगर एक नजर डालें तो 62 साल में पहली बार ऐसा होगा जब लखनऊ नगर निगम में लगातार 2 बार मेयर की कमान महिला के हाथ में होगी। इससे पहले 2017 में पहली बार संयुक्ता भाटिया मेयर चुनी गई थी, तो वहीं उनसे पहले लखनऊ को कोई महिला मेयर नहीं मिली थी। 2023 का निकाय चुनाव सभी पार्टियों के लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि 1,700 करोड़ रुपए के बड़े बजट वाली लखनऊ नगर निगम के मेयर पद पर पिछले 28 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है। लखनऊ की मेयर सीट पर बीजेपी का वर्चस्व, 1995 से मेयर सीट पर बीजेपी की धाक, 28 साल से बीजेपी का कब्जा। लखनऊ में दिखेगी महिलाओं की टक्कर। लखनऊ में पहले नगर प्रमुख का पद हुआ करता था। इसके तहत 1995 तक कभी कांग्रेस तो कभी जनसंघ से समर्थित महापौर बनते रहे, लेकिन 1995 के बाद यह सिलसिला टूट गया और यहां से अब कमल ही खिलता आ रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी के इस किले को विपक्षी दल भेद नहीं पा रहे हैं।
1 दिसंबर 1995 को डॉक्टर एससी राय भाजपा के टिकट पर लखनऊ के नगर प्रमुख बने। इसके बाद वे लगातार दो बार 20 नवंबर 2002 तक यहां नगर प्रमुख रहे। बाद में नगर प्रमुख के पद का नाम बदलकर महापौर कर दिया गया। तब 21 नवंबर 2002 से लेकर 13 फरवरी 2006 तक डॉक्टर एससी राय यहां के महापौर रहे। फिर बारी आई डॉक्टर दिनेश शर्मा की, जिन्होंने राजधानी लखनऊ में महापौर का अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल बिताया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा 14 नवंबर 2006 से लेकर 19 मार्च 2017 तक लखनऊ के महापौर रहे। 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने महापौर के पद से इस्तीफा दे दिया। दिनेश शर्मा के इस्तीफा देने के बाद हुए चुनाव में लखनऊ महापौर की सीट महिला कर दी गई। तब भाजपा ने संयुक्ता भाटिया को अपना प्रत्याशी बनाया। संयुक्ता भाटिया 12 दिसंबर 2017 को लखनऊ की महापौर बन गई। इस बार फिर से राजधानी लखनऊ की महापौर पद की सीट महिला आरक्षित है। आखिर ऐसी क्या बात है कि विपक्ष लखनऊ महापौर का पद बीजेपी से छीन नहीं पा रही है। वहीं जिस महापौर पद के लिए लखनऊ में जंग छिड़ी हुई है, उसकी कहानी भी दिलचस्प है। 90 के दशक से बीजेपी का दबदबा। 1995 से 2006 तक एससी राय, 2006 से 2017 तक दिनेश शर्मा, 2017 से 2023 तक संयुक्ता भाटिया। 1700 करोड़ के बड़े बजट वाली नगर निगम का गठन वैसे तो 1960 में हुआ, लेकिन यहां 1860 में ही अंग्रेजी सरकार ने लोकल कमेटी बनाई थी। इसका काम वही था जो मौजूदा नगर निगम की तरफ से किया जाता है। 1860 में कमेटी का प्रथम चेयरमैन लखनऊ के डिप्टी कलेक्टर जी कैंपेबल स्क्वायर को बनाया था और कमेटी की पहली बैठक 76 मंजिल में हुई थी। 1861 में इसको म्यूनिसिपल कमेटी का नाम दिया गया, हालांकि आगे चलकर 1864 में फिर नाम बदला और म्यूनिसिपल कमेटी को म्यूनिसिपल बोर्ड कर दिया गया। बोर्ड के पहले चेयरमैन उस समय के डिप्टी कमिश्नर एसडब्ल्यू हेस्टिंग्स बने। 1916 तक डिप्टी कमिश्नर ही चेयरमैन का पद ग्रहण करते रहे। 1916 में सैयद नबी उल्लाह पहले भारतीय चेयरमैन बने। उस समय भी एक्ट में बदलाव किया गया, हालांकि उसके बाद पंडित जगत नारायण बाबू विश्वंबरनाथ श्रीवास्तव, चौधरी खली कुजंबा, त्रिलोकनाथ भार्गव, नवल किशोर हलवासिया और पृथ्वीनाथ भार्गव इस पद पर कायम रहे। हालांकि साल 1948 में यहां आजादी के बाद प्रशासन काल लागू कर दिया गया। 12 साल यानी साल 1960 तक इसको कायम रखा गया। दरअसल साल 1959 में उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट बना दिया गया, उसी तहत 1960 में पहली बार लखनऊ में नगर प्रमुख बना। 1 जुलाई 1973 से 24 अगस्त 1989 तक यूपी के अंदर कांग्रेस और जनता पार्टी दो दलों की सरकार रही, लेकिन दोनों ही दल के समय यहां प्रशासन काल लागू रहा। 28 अगस्त 1989 को तीसरा जन निर्वाचित नगर महापालिका का गठन किया गया था। 26 अगस्त 1989 को डॉक्टर दाऊजी गुप्ता नगर प्रमुख बने। आगे चलकर 21 नवंबर 2002 को नगर प्रमुख का पद बदलकर मेयर में तब्दील कर दिया गया। साल 1960 से 1995 तक नगर प्रमुख का चुनाव चुने हुए पार्षद करते थे, लेकिन 30 नवंबर 1995 को सतीश चंद्र राय पहले मेयर बने, जिनका चुनाव पार्षदों की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि वे सीधे जनता के वोट से चुनकर आए। वे बीजेपी से जीते थे। हालांकि तब से लेकर अभी तक सभी चुनाव में मेयर का पद बीजेपी ने ही जीता है। साल 1994 तक शहर में महज 40 वार्ड थे, हालांकि उस समय एक वार्ड में दो पार्षद हुआ करते थे। ऐसे में पार्षदों की संख्या 80 हुआ करती थी, लेकिन जब पहली बार मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव हुआ तो वार्ड भी बढ़ा दिए गए। वार्ड की संख्या 110 कर दी गई। साथ ही साथ एक वार्ड से दो पार्षद का नियम भी खत्म हो गया। शहर के पहले नगर प्रमुख जनसंघ से बने थे। जनसंघ आगे चलकर बीजेपी बन गया था। ऐसे में शहर का पहला मेयर भी बीजेपी विचारधारा वाला रहा। तब राजकुमार श्रीवास्तव 1 फरवरी 1960 पहले नगर प्रमुख बने थे। 62 साल के इतिहास में अब तक 19 नगर प्रमुख या मेयर निर्वाचित हो चुके हैं। इनमें से 5 जनसंघ, 8 कांग्रेस और 8 बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रहे।
लखनऊ नगर निगम का सालाना का बजट करीब 1700 करोड़ रुपए का है। इसमें करीब 530 करोड़ रुपए से सड़क बनवाई जाती है। पार्षद का कोटा एक साल का 1,15,00,000 रुपए का होता है। उसके अलावा 18 करोड़ का एक कोटा होता है जिसको नगर आयुक्त और मेयर मिलकर खर्च करते हैं। संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल में ये कोटा उनके द्वारा खर्च किया जाता रहा। इस चुनाव में 88 गांव नगर निगम की सीमा में आ चुके हैं। ऐसे में इन 88 गांव के ग्रामीण अब शहरी वोटर बन चुके हैं। लखनऊ नगर निगम के इतिहास में पहली मर्तबा महिला अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की संयुक्ता भाटिया चुनकर आई थी। समाजवादी पार्टी की मीरा वर्धन को उन्होंने शिकस्त देकर और लखनऊ की मेयर सीट के तौर पर पहली मेयर बनी थी। उसके ठीक बाद अगर बात करें तो इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से वंदना मिश्रा, तो वहीं भाजपा की तरफ से 30 साल से ऊपर पुरानी कार्यकर्ता सुषमा खरकवाल, तो वहीं बसपा की तरफ से साइना बानो को प्रत्याशी बनाया गया है। अब पहले फेज में लखनऊ नगर निगम में चुनाव होना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सियासी ऊंट किस तरह करवट लेता है। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।